हेलो फ्रेंड्स, आई एम राज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया फिर से एक नए वीडियो के साथ एंड आज भी मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आउटडोर में अनबॉक्सिंग करता हूँ एंड इस वीडियो में भी मैंने आउटडोर में ही अनबॉक्सिंग किया है। एंड ये वीडियो मैं जब बना रहा था तो शाम हो गया था, इसलिए इस वीडियो में लाइट का थोड़ा कमी था, इसलिए मैंने ये वीडियो फ्लैशलाइट जला के किया है, यानी मुझे मजबूरी में करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। एंड चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो में जहाँ पे शूट कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में ज़्यादा वॉइस नहीं दूंगा। सिर्फ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये पावर बैंक एम्बरिन का 10,000 mAh वाला पावर बैंक है एंड ये पावर बैंक मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे बाय किया एंड मैं इसका अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिलता है एंड इस पैक से इसको निकालेंगे हम लोग अभी। तो चलिए देख लेते हैं क्या निकलता है एंड कैसा है। फ्रेंड्स, अभी मैं इस बॉक्स के अंदर से हमारा जो पावर बैंक है एम्बरिन का उसको निकालने वाले एंड उसको निकालने के बाद हम लोग देखेंगे पावर बैंक कैसा है एंड उसके बाद मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू करूँगा दो दिन बाद। एनी मैं पहले से यूज़ करूँगा दो दिन तक, उसके बाद मैं बताऊँगा कि पावर बैंक कैसा है कैसा नहीं। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ एंड उसके बाद जो वीडियो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ वो दो दिन के बाद करने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पावर बैंक निकाल के कैसा है कैसा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस पावर बैंक को मैं दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड आज मैं बताने वाला हूँ कि पावर बैंक अच्छा है या अच्छा नहीं, आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप 3000 से 4000 के बीच आपके फ़ोन का जो बैटरी का mAh है वो होता है तो आपको ये लेना चाहिए एंड उससे ऊपर होता है यानी 5000 से शुरू होता है तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। एंड अगर आप चाहो यानी आपके पास अगर बजट कम हो तो आप ये ले सकते हो, अगर आपके पास 5000 mAh वाला बैटरी वाला फ़ोन है एंड अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, लेकिन मैं बता
बता देता हूँ, अगर आप इसे परचेस करते हो तो इसमें अगर फुल चार्ज करते हो आप एंड आपके फ़ोन का बैटरी जो है वो 20% तक मतलब लो बैटरी हो जाता है, तो अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाते हो पावर बैंक के साथ तो आपका फ़ोन 100% हो जाएगा। एंड देन फिर से जब आपका फ़ोन का चार्ज लो बैटरी हो जाएगा देन फिर से अगर आप इसमें लगाओगे तो आपका फ़ोन जोर से जोर 40-50% ही चार्ज होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। एंड उसके बाद अगर मैं सच बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा इस पावर बैंक के साथ जो मुझे ये छोटा वाला बैग मिला है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब ये इसका जो कपड़ा है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। पावर बैंक तो मैंने बता दिया कि मुझे कैसा लगा, लेकिन ये जो बैग मिला है छोटा सा ये मुझे बहुत क्यूट लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी मेरी तरह अगर चाहते हो कि ये बैग आपको मिले तो आप ये बाय कर सकते हो, नीचे मैं बाय लिंक दे दूंगा, तो आप लोग चाहे तो इसे बाय कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन 3000-4000 एमएएच वाला बैटरी पावर वाला है तो आप ले लो इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। देन उससे ज़्यादा है तो मत लो, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको, ज़्यादा है तो मत लो। एंड आप लोगों ने देखा कि ये बहुत आराम से पॉकेट में भी चला जाता है, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, अगर आपको चाहिए ये तो आप बाय कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला कि नीचे बाय लिंक दिया गया है, जाओ एंड आप अगर आपको चाहिए तो आप बाय करो। एंड मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपको टेक रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाओ नीचे सब्सक्राइब जो रेड वाला बटन है उसको दबाओ एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।